मिडिल क्लास बॉय मैं नाम मेरा अवधेश। सो गाइस सबको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो गाइस आज है 15 अगस्त और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। दिल्ली में आज मेरा लास्ट दिन है, आज ही मैं चला जाऊँगा चंडीगढ़ के लिए। जिसे पता नहीं है मैं दिल्ली में भी घूमने के लिए आ रखा हूँ, तो पिछले ब्लॉग देख लेना। सो आज है लास्ट दिन, सो अभी मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर। तो अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, देखो दूर दूर तक कोई नहीं है वल्ला। सो गाइस दूर दूर तक कोई नहीं है, मेट्रो स्टेशन पे मैं अकेले ही बैठा हूँ। सो मेट्रो आती है फिर चलते हैं जंतर मंतर। आप लोगों को बता दूँ मैं 2 दिन से यहाँ पे दिल्ली में रह कर रहा हूँ। सो गाइस मैं यहाँ हूँ मॉडल टाउन में और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अपने मौसी के घर। यहाँ पे मेरी मौसी रहती है, सो अपनी मौसी के घर रह रहा हूँ मैं। और मैं दिखा दूँ किधर है, सो उस साइड आओ जो टावर लगा उस साइड मैं रह रहा हूँ। अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, अभी मेट्रो आएगी तो यहाँ से जाएंगे जंतर मंतर। सो अभी तो कोई नहीं है, सिर्फ एक बंदा आया और बाकी सफाई वाला है। सो दूसरी साइड वाली मेट्रो आ गई है और इधर वाली नहीं आई है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर तक फिर चलते हैं। सो जा रही मेट्रो आ रही है, वेट हो गया ख़त्म, मेट्रो अपनी आ गई है, वो पीछे आप लोग दिख रही होगी। सो वो आ रही है अपनी मेट्रो, सो इससे चलते हैं, इससे चलेंगे। पहले उतरेंगे न्यू दिल्ली में, वहाँ से दूसरी मेट्रो एक्सचेंज करनी है। तो ये मेट्रो आती आ रही है, इसी में चलते हैं, वहाँ से न्यू दिल्ली से दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे। सो आ गई अपनी मेट्रो, बोलो हम पहुँच गया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा जंतर मंतर ऑटो पकड़ के। तो यहीं पीछे मेट्रो का स्टेशन और यहीं से मेरे को ऑटो मिल जाएगी, यहाँ से ऑटो पकड़ के मैं अब जा रहा हूँ जंतर मंतर। देखते हैं कितने रुपए मांगते हैं, अकेला देख के बहुत यार रुपया मांगते हैं ऑटो वाले। जंतर मंतर जा रहा था, बीच में यहीं पे गुरुद्वारा बंगला साहिब मिल गए, तो मैं अंदर जाके भी आ गया, पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो वीडियो नहीं बना पाया। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है गुरु बंगला साहिब, तो बहुत अच्छे से मज़ा आ गया अंदर जाके, तो दर्शन भी कर लिए, अब जा रहा हूँ। तो भाई दर्शन भी कर लिए, ये रे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा। सो ये है श्री बंगला साहिब, सो देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया है। सो बहुत ही बढ़िया है ये, मज़ा आ गया अंदर जाके, दर्शन भी कर लिए। और अब जा रहा हूँ मैं जंतर मंतर, अभी तो पैदल जा रहा हूँ, यहीं से पास में है थोड़ी दूर पे। लोग मेरे दोस्तों वाले जो हैं वो मांग रहे 50 रुपये, तो मैंने बोला इतने तो नहीं दूंगा, 20 रुपये तक दे सकता हूँ। तो साहिब का फ्रंट वे दिखाता हूँ, तो एक साइड से मैंने दूसरी साइड से एंट्री करी थी, एक साइड इधर वाला दिखाता हूँ। सो यहाँ से भी एंट्री है पूरी, देख सकते हो बंगला साहिब की। वो यहाँ पे कुछ ही देर पे दूर पे रह गया जंतर मंतर, बाकी ये जो बंगला साहिब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। पीछे एक बस खड़ी थी, उससे भी टूरिस्ट उतर ही रहे थे, और आज मंडे और भीड़ भी थी, संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी अंदर गया, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते हैं, पूरा जस्ट लाइक ये अमृतसर में जैसे गोल्डन टेम्पल लाइक वैसे ही पूरा है। इसके बीच में पानी मछलियाँ, जो अंदर बड़ी बड़ी सी मछलियाँ थी पानी के अंदर, वहाँ पे वीडियो बनाना नहीं अलाउड था, इसलिए दिखा नहीं पाया। तो आगे चलते हैं, यही मेरे आगे जंतर मंतर है, एंट्री देखते हैं कहाँ से मिलेगी। बाकी इस साइड की बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया है, आगे से जा रहे हैं आधे टूरिस्ट साइड से, इधर एंट्री मिल जाए। बाकी आज मंडे है तो ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी। ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल था, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसा लगा मेरे को। और पहले तो इसके अंदर की एंट्री लेते हैं यहाँ से। तो गाइस अंदर एंट्री ले ली मैंने जंतर मंतर के, इधर फॉरेन कंट्री से भी आए हैं काफ़ी लोग, और चलते आगे। सो चलते आगे देखते हैं कैसा क्या है जंतर मंतर अपना, बाकी क्राउड भी ज़्यादा नहीं है अभी। तो ये देखो गाइस जो कि फोटो में देखता था पहले, पान जैसा बना हुआ कुछ, तो मेरे को पता तो है नहीं क्या है। सो ये रहा, ये रखा, ये पढ़ के देखते हैं क्या चीज है, के बारे में पता तो है नहीं, सिर्फ फोटो में देखा मैंने।
उस तरह है। तो ये जो मेरे पीछे बनाए है मिश्रा यंत्र, आप लोगों को दिखाया, वो पॉज करके पढ़ लेना और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी। तो ये है बड़ी बड़ी सी कुछ, तो यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी हैं, पता नहीं मेरे को। ये पूरा जंतर मंतर है सबके बारे में, जो है वो सबके बारे में लिख रखा है क्या चीज है ये। जैसा कि ये दिस इज क्या ऑब्जर्वेटरी, सो ये ऑब्जर्वेटरी है। और नीचे तक देखेंगे वहां भी काफी लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो वो गाइस अपना जंतर मंतर। तो ये जो लाइटें लगा रखी हैं, साइड से लाइटें हैं, सो ये पता नहीं क्या लगा रखी है, इधर लाइटें लगा रखी हैं, रात को बहुत ही अच्छा लगता होगा ये। अभी तो नहीं जल रहा, दिन में रंग बिरंगी लाइटें हर जगह रख रखे हैं, पूरे जो गोलाई है इसके अंदर क्या चीज है। तो इसके अंदर देखो डिजाइन वाइज बना रखा है ऐसे ऐसे। ये भी देखते हैं ये क्या चीज है, इसके बारे में भी कहीं लिखा होगा, देखते हैं चल के। बाकी लाइटें लगा रखी हैं हर जगह। तो इसके अंदर जाके फोटो खिंचा रहे हो, ये देखो। अल्लाह, इसके अंदर मेरे ख्याल से पानी भरता है। सो इसके अंदर लगता है मेरे ख्याल से पानी भर देते हैं अंदर, अभी सूख रखा है, काई जमी पड़ी है। तो अंदर जाके देखते हैं इसके। सो ये ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा ही सा है, बाकी जो अंदर चीजें है वो भी बड़ी बड़ी है बहुत ही ज्यादा। और इधर से दिखा देता हूँ। सो ये पार्क के अंदर बना रखा है, एक यहाँ पे छोटा सा पार्क है, यहीं पे जंतर मंतर बन रखा है। और ये देखो इसके ऊपर अगर जाने देते बहुत बढ़िया लगता, मजा आ जाता। और यहाँ पे हर जगह पे जगह जगह पे जंजीरें लगा रखी है कि अंदर ना जाए कोई। सो ये पता नहीं क्या है मेरे को। और यहाँ पे पानी भरा रहता है, वैसे खाली है। तो ये वाला जो अपना ये है जयप्रकाश यंत्र, और मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ, खराश सी आ रही है, गला बैठा जा रहा है। ये देखो, पॉज करके पढ़ लेना, इसके बारे में पूरा दे रखा है। सो ये वाला जयप्रकाश यंत्र है, और ये वाला देखते हैं वहां पे, देख रहे हैं, देखते हैं क्या चीज है। सच तो मासा है, ये देख लो हर जगह ये लगा रखे हैं, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ऊपर जाने देते, और बढ़िया लगता है। बाकी ये देखो कितना बड़ा बीच में यहाँ पानी डाल रखा होते है मेरे ख्याल से, वो देखो काई जमी पड़ी है, इसमें पानी डला होता। बाकी मैंने देखा है फोटो में ज्यादातर वो जो पान जैसा बना है, वहाँ चल के अभी फोटो खिंचाएंगे। बाकी इसके ऊपर भी नहीं जाने देते सीढ़ियाँ, इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ बनी है, बाकी वहाँ सेल्फी लेते हैं थोड़ी सी। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं जंतर मंतर में, छोटा ही सा है, बाकी बहुत घूम लिया। अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं थंबनेल के लिए। तो वहाँ जाके थोड़ी फोटो खिंचाएंगे थंबनेल के लिए, तो चाहिए होंगी। तो अपना ये जो पीछे है ये पूरा जंतर मंतर है, बाकी हर जगह ये ग्रीले लगा रखे हैं जहाँ जाना नहीं है। बाकी टूरिस्ट आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आ रखे हैं अभी क्योंकि मंडे आज। और यहाँ से पूरा देखो जंतर मंतर, तो भाई सब मैं जंतर मंतर के बाहर आ गया हूँ, आपने देखा पूरा जंतर मंतर, ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं। तो वैसे है तो बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पार्क में बना रखा है पूरा। तो अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ राजीव चौक, वहाँ से जाऊँगा मैं दिल्ली का नया म्यूज़ियम खुला है, मेरे गले पता नहीं क्या हो रहा है, ख़राब हुआ जा रहा है। तो नया म्यूज़ियम खुला है वहाँ पर जाऊँगा, तो यहाँ से चलते हैं पाटिल चौक के मेट्रो स्टेशन पर। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। नाम मेरा अवधीश, मिडिल क्लास बॉय मैं, नाम मेरा अवधीश।